आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के ऊपर। देखो यार, इस वीडियो को आप पूरा देखना, तब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे लिमिट सुपीरियर, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट इंफीरियर को डिस्कस करेंगे। देखो यार, लिमिट सुपीरियर यानी कि हमें कोई सीक्वेंस दिया रहेगा, उसका हमें सुपीरियर फाइंड करना है। लिमिट सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको दो केस में डिवाइड करते हैं। सीक्वेंस का सबसे बड़ा वैल्यू अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग सीक्वेंस को क्या देखना पड़ेगा कि यार सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव है या फिर बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस लिमिट सुपीरियर के डेफिनेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। केस नंबर वन में देखेंगे जब सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव होगा, और केस नंबर टू में देखेंगे जब हमारा सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं होगा, यानी कि जब हमारा सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव होगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एन हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तब केस नंबर वन कहता है इफ एन इज बाउंडेड अबव, अगर हमारा सीक्वेंस एन बाउंडेड अबव है, देन We define another sequence bn. जब an हमारा bounded above होगा, तब हम लोग एक और sequence bn define करेंगे। कैसे define करेंगे? ना वो हम लोग an के terms से ही define करेंगे, ठीक है? चलो, किस तरह के define करते हैं? देख लेते हैं जरा। देखिए, such that we define bn such that b1 क्या है? Sequence bn का पहला term. b1 is equal to supremum of a1, a2, a3, a4 dot dot dot. यानी कि जो सीक्वेंस के हमारे एलिमेंट्स होंगे, किसके, एन के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, उनका जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा सीक्वेंस बीएन का पहला टर्म। बात समझ पा रहे हो? और जब हम लोग इसका दूसरा टर्म का बात करें बी2 का, तब वो क्या हो जाएगा? सिमिलरली सुप्रीमम ऑफ ए2 ए3 ए4 ए5 डॉट इनफाइनाइट। इसमें हम लोगों ने क्या करा, जब हम लोग सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं सीक्वेंस बीएन का, तब हम लोग इस फर्स्ट टर्म को डिलीट कर दे रहे हैं, राइट। अब हम लोग A2, A3, A4 से लेके उसका सबसे सुप्रीमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तब वो हमारा B2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें B3 का, तो वो कैसे होगा? B3 के लिए हमें A1 और A2 दोनों को डिलीट करना पड़ेगा, फिर A3, A4, A5 डॉट इनफाइनाइट, उसमें से जो सुप्रीमम वैल्यू होगा उसे हम लोग चूज कर लेंगे। BN, सिमिलरली BN के लिए भी लिखा गया सुप्रीमम ऑफ AN और इसी bn के मदद से हम लोग लिमिट सुपीरियर ऑफ an डिफाइन कर ले। देखिए कैसे डिफाइन कर ले। देन लिमिट सुपीरियर, जिसे हम डिनोट करते हैं लिमिट ऊपर में एक बार an। अगर हम लिमिट सुपीरियर ऑफ एन का बात करें, तो लिमिट ऊपर में एक बार एन और लिमिट सुपीरियर ऑफ एन, इस तरह का हमें इसे डिनोट करते हैं। देखिए अब हमारा लिमिट सुपीरियर हो क्या जाएगा इस केस में, तो लिमिट सुपीरियर इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लिमिट सुपीरियर ऑफ एन इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ b1 b2 b3 डॉट इनफाइनाइट। जो हमने सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करा सीक्वेंस bn, उस सीक्वेंस bn का जो सबसे इनफिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस an। बात समझ पा रहे हो? देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सुप्रीमम फाइंड करना है लिमिट सुपीरियर, तब हम चेक करेंगे कि बाउंडेड अबव है या नहीं। जैसे ही सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव आ गया, तब हम एक और सीक्वेंस बनाएंगे, और सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, b1 इज इक्वल टू सुप्रीमम वैल्यू लेंगे a1 a2 a3 का, ठीक है। अब बोलोगे सुप्रीमम क्यों, इस चीज को याद रखने का तरीका है इसका, सबसे पहले जब सीक्वेंस bn कंस्ट्रक्ट करेंगे तब सुप्रीमम ही लेंगे, क्योंकि ये हमें लिमिट सुपीरियर निकालने बोल रहा है। और जैसे ही सारे सुप्रीमम को हम करेक्ट करके एक और सीक्वेंस bn बनाते हैं, तब उसमें उस bn का हमें इन्फिमम लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब ये जो इसका जो इन्फिमम b1 b2 b3 हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ an। बात समझ पा रहे हो? चलो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल के मदद से जितना भी हमने ये प्रोसीजर करा है, ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है हमारा an इज इक्वल टू -1 to the power n। क्या देखोगे सबसे पहले आप देखोगे
कि ये जो सीक्वेंस है हमारा बाउंडेड अबव है या नहीं, क्योंकि अब तक हम लोग सिर्फ केस वन को ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये अब देखेंगे ये बाउंडेड अबव है या नहीं। हाँ, डेफिनेटली बाउंडेड अबव है। सबसे पहले क्या करोगे, आप इस सीक्वेंस को अच्छे से खोल लो, ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में से लिखो, क्या होगा माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन, कुछ इस तरह का हमारा सीक्वेंस दिखेगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है, अगर हम बाउंडेडनेस का बात करें, तो ये जो सीक्वेंस होगा बेसिकली मॉड ए एन इज लेस देन इक्वल टू वन होगा, राइट। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। अब जैसे ही हमारा बाउंडेड अबव हो जाएगा सीक्वेंस, तब हमें करना क्या है, एक और हमें नया सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बी एन, ठीक है, राइट। तो यार बी एन कंस्ट्रक्ट करो आप, बी वन क्या हो जाएगा, बी वन इज इक्वल टू द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ ये सारे नंबर्स का, ये सारे जो हमारे पास में नंबर्स हैं, इनफैक्ट जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, इनका सबसे सुप्रीमम वैल्यू। तो इनका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, वन, डेफिनेटली वन होगा। अगेन आप बी टू करो, तो बी टू करने के लिए आप इस माइनस वन को यहां से डिलीट करो, सुप्रीमम ऑफ वन माइनस वन वन माइनस वन, कुछ इस तरह का होगा, तो ये भी आपका प्लस वन ही होगा। सिमिलरली जब आप bn डिफाइन करोगे, तब भी हमारा कहीं ना कहीं सुप्रीमम ऑफ माइनस वन वन माइनस वन, कुछ इस तरह का जाएगा, और ये भी हमारा प्लस वन ही होगा। बात समझ पा रहे हो, ये हमारा इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जो सबसे हर एक माइनस वन के बाद प्लस वन आ रहा है, अगेन माइनस वन अगेन प्लस वन, तो ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं। तब अगर आप इस माइनस वन को डिलीट भी कर दो, फिर भी तो वन ही हमारा इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर होगा, सुप्रीमम वैल्यू। सिमिलरली इसका भी हमारा वन ही होगा। तो इनफाइनाइट की ओर बढ़ते जाओ, तो वन 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 इनफिनिटी की ओर रिपीट हो जाएगा। तो जब हम लोग लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करते हैं, इनफिमम ऑफ ये बी वन बी टू बी थ्री बी एन। तो बी वन बी टू बी थ्री बी एन का हमारा क्या है, वैल्यूज, वैल्यूज है हमारा वन 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 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो ये भी हमारा वन के इक्वल ही हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या निकला, ये जो हमें गिवन था एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसका लिमिट सुपीरियर क्या निकला, इसका लिमिट सुपीरियर हमारा वन होगा। कितना सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है यार, राइट। एक और एग्जांपल मैं देखता हूं, उस एग्जांपल को आप पूरा कंप्लीट करना, कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार उसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, राइट। मैं यहां पर एग्जांपल देखता हूं। चलिए अब हम लोग नंबर टू एग्जांपल देखते हैं, वो है हमारा एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन। सबसे पहले क्या करोगे, सीक्वेंस को अच्छे से खोल लो। चलो ठीक है, सीक्वेंस को अच्छे से खोल लेते हैं। इस सीक्वेंस के बारे में आपको मोस्टली चीजें पता है। चलो खोलने के बाद क्या करना है, चेक कर लिया पहले आपने कि बाउंडेड अबव है या नहीं, खोल लिया उसके बाद हमें सीक्वेंस बी एन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो बी एन के लिए सबसे पहला टर्म क्या होगा, बी वन क्या होगा हमारा, बी वन होगा हमारा द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, वन, ठीक है। सिमिलरली अगर बी टू का बात करें, तो बी टू में हमारा सिर्फ और सिर्फ वन नहीं रहेगा, चलो यार वन नहीं रहा, कुछ इस तरह का ये होगा, इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू। सिमिलरली अगर B3 का बात करें, तो B3 में हमें क्या मिलेगा, B3 में हमें 1/3। सिमिलरली अगर हम लोग BN में बात करें, तो क्या मिलेगा, 1/N, और इस तरह के बढ़ते हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यार, ये जो B1 से B3 BN निकल रहा है, ये हमारा कहीं ना कहीं इस AN के ही इक्वल हो रहा है। बात समझ पा रहे हो, तो ये हमारा AN के ही इक्वल बन रहा है। चलो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है लिमिट सुपीरियर ऑफ एन फाइंड करना है। लिमिट सुपीरियर ऑफ एन क्या होगा, द इनफिमम वैल्यू ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट डॉट डॉट होके भी बढ़ते हो जाएगा इनफिनिटी वाले टर्म्स तक। देखो यार, इस सीक्वेंस का सबसे इनफिमम वैल्यू हमें चूज करना है। अब आप डायरेक्टली बोलोगे सीक्वेंस इस तरह का कैसे हो गया, क्योंकि हमने B1, B2, B3 फाइंड करा, वो हमारा B1 A1 के इक्वल आ रहा है, B2 A2 के इक्वल आ रहा है, B3 A3 के इक्वल आ रहा है, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस BN था, जो हमारा सीक्वेंस BN था, वो बेसिकली AN के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इनफिमम डायरेक्टली लिख दिया 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट इनफिनिटी। इनफैक्ट आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इसका इनफिमम वैल्यू होगा क्या, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा।
इसका इन्फिमम वैल्यू जो होगा वही लिमिट सुपीरियर ऑफ एन होगा। तो इसका इन्फिमम वैल्यू जो होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, राइट। एट द सेम टाइम एक और चीज आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जो सीक्वेंस bn है जो मैं सारे सीक्वेंस के लिए डिफाइन कर रहा हूं, पहले मुझे एक सीक्वेंस an गिवन है, फिर मैं उस an से bn को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, बना रहा हूं, तो ये जो bn मेरा निकल रहा है बेसिकली ये bn मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सारे हमारे an के, क्या है इस तरह का bn, ये बात मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में देखा हम लोगों ने कि जब सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव था तब उसका जो भी प्रोसीजर था वो हमने देखा, प्लस साथ साथ में उसका एग्जांपल को भी करके देखा कि यार किस तरह से ये होता है, ठीक है। अब हम लोग केस नंबर 2 में देखेंगे कि जब हमारा सीक्वेंस ए एन बाउंडेड अबव नहीं होगा, यानी कि जब सीक्वेंस ए एन हमारा अनबाउंडेड होगा तब उसका लिमिट सुपीरियर का वैल्यू क्या होगा। तब उसका लिमिट सुपीरियर का वैल्यू हमेशा प्लस इंफिनिटी होता है। क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। इस बात को गांठ बांध लो, अगर आपको कोई एक सीक्वेंस एन मिला है ए एन जो कि अनबाउंडेड अबव है और उसका लिमिट सुपीरियर फाइंड करने बोला है, तब आप एक बात हमेशा नोट कर लो कि उसका लिमिट सुपीरियर हमेशा प्लस इंफिनिटी होगा। सीक्वेंस को उस तरह का करके आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। मैं चेक करने का प्रोसीजर भी बता दूंगा, तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप लिख लो कि जो लिमिट सुपीरियर ऑफ एन होगा वो प्लस इंफिनिटी होगा, राइट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यार, एन इज इक्वल टू एन, कैसा सीक्वेंस है? अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है। तो चलो यार अब हम लोग जो हमने प्रोसीजर देखा था उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये फाइंड करके देखते हैं कि बेसिकली इसका प्लस इंफिनिटी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप bn फाइंड करते हो, ठीक है। तो bn के लिए b1 क्या होगा? b1 जो होता था सुप्रीमम ऑफ 1 2 3 4 इनफाइनाइट, जो भी हमारा है 1 2 3 4 क्यों हो गया? क्योंकि सीक्वेंस जो है हमें an is equal to m given है, ठीक है। बेसिकली 1 is equal to a1, 2 is equal to a2, 3 is equal to a3 है हमारा, ठीक है। तो सबसे सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा इसका? प्लस इनफिनिटी, क्योंकि हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? प्लस इनफिनिटी। सिमिलरली अगर हम लोग b2 का बात करें तो b2 में हमारा क्या होगा? b2 में हमारा 2 3 4 कुछ इस तरह का सीक्वेंस पड़ेगा, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 को हटा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, ये भी हमारा प्लस इनफिनिटी ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें bn का, तो bn भी हमारा प्लस इनफिनिटी, इस तरह का कुछ सीक्वेंस बढ़ते हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सीक्वेंस bn हुआ उसमें बेसिकली प्लस इनफिनिटी ही इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ना लिमिट सुपीरियर ऑफ an फाइंड करेंगे, ठीक है। लिमिट सुपीरियर ऑफ अगर हम लोग an फाइंड करें तब ये किस तरह का होगा? इनफिमम ऑफ b1 b2 b3 b4 जो हमारा सीक्वेंस bn निकला, ठीक है। यानी कि इनफिमम ऑफ प्लस इनफिनिटी इनफाइनाइट टाइम्स। तो यार अगर सारे प्लस इनफिनिटी है तो इनफिमम वैल्यू क्या होगा? प्लस इनफिनिटी ही होगा, तो ये भी हमारा प्लस इनफिनिटी हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को कि यार केस 2 में अगर हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस आ गया और अगर हमें लिमिट सुपीरियर फाइंड करने बोला है तो जो वैल्यू होगा वो प्लस इनफिनिटी होगा, ठीक है। देखो यार जब हम लोग इनफीरियर का बात करेंगे तब हम लोग चेक करेंगे बाउंडेड बिलो का, देखो बाउंडेड बिलो है या फिर बाउंडेड बिलो नहीं है इसका चेक करेंगे, और जब हम लोगों ने सुपीरियर का देखा था तब हम लोग बाउंडेड अबव है या फिर बाउंडेड बिलो है वो चीज चेक करेंगे। देखो यार सुपीरियर मतलब बड़ा वैल्यू, इन्फीरियर मतलब छोटा वैल्यू, तो जब हम लोग सुपीरियर चेक करेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे ना सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है या नहीं, इसका ढक्कन ये लगा हुआ है या फिर ढक्कन ओपन है। जैसे ढक्कन ओपन होगा यानी कि अनबाउंडेड अबव होगा तो ये सीक्वेंस हमारा पार करके इसे प्लस इनफिनिटी की ओर चला जाएगा, और जैसे ही हम लोग लिमिट इनफीरियर मतलब छोटा वैल्यू, जैसे छोटा वैल्यू हम लोग देखेंगे तब देखेंगे कि ये ढक्कन हमारा नीचे से बंद है या नहीं, राइट। अगर नीचे से बंद है तो चलो प्रोसीजर लगाओ, और अगर नीचे से बंद नहीं है यानी कि ओपन है तब ये घटते हुए हमारा माइनस इनफिनिटी को चला जाएगा, राइट। चलो अब हम लोग अच्छे से लिमिट इनफीरियर को डेफिनेशन वाइज समझते हैं, जैसे हम लोगों ने लिमिट सुपीरियर की केस में समझा था। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका।
लिमिट इंफीरियर, लेट ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन केस नंबर वन इफ ए एन इज बाउंडेड बिलो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ए एन अगर हमारा बाउंडेड बिलो होगा तब एक प्रोसीजर लगाएंगे, और अगर वो अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा ठीक है तब डायरेक्ट हमारा माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो केस नंबर वन में देखेंगे जब ये बाउंडेड बिलो होगा तब हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। उस लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर में थोड़ा सा बारीक अंतर है, देखो यार उसको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देन वी डिफाइन अ सीक्वेंस सी एन, उसमें हम लोगों ने क्या सीक्वेंस डिफाइन करा था, बी एन, उस सीक्वेंस को हम लोग बी एन सीक्वेंस करते हैं और इस सीक्वेंस को हम लोग सी एन सीक्वेंस कहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात है, राइट। इसे आप कहीं और टीचर के सामने मत करना कि यार वो हमारा बी एन सीक्वेंस है या ये हमारा सी एन सीक्वेंस है, राइट। ये सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात है। चलिए डिफाइन सी एन सीक्वेंस सच दैट सी वन इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट इनफाइनिटी। लिमिट सुपीरियर के केस में क्या होता था, यहां पर हम लोग सुप्रीमम लेते थे ठीक है, बट लिमिट इन्फीरियर के केस में होगा यहां पर हम लोग इन्फिमम लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा इन्फीरियर है, राइट। तो इसी तरह से हम लोग सी वन डिफाइन करेंगे सीक्वेंस सी एन का पहला टर्म, सी टू कैसे डिफाइन करेंगे, इस ए वन को डिलीट करेंगे, उसके बाद हम लोग ए टू ए थ्री ए फोर से जो सबसे इन्फिमम वैल्यू होगा वो लेंगे हम लोग सी टू के लिए, राइट। सिमिलरली सी थ्री के लिए क्या करेंगे, ए वन और ए टू दोनों को डिलीट करेंगे फिर इन्फिमम चूज करेंगे, और जब हम लोग सी एन लेंगे तब इन्फिमम ऑफ ए एन ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू डॉट इनफाइनाइट। ये सारी चीज आपको पता है, बस सिर्फ और सिर्फ ये इन्फिमम चीज लेना था, ये मैंने यहाँ पर न्यू एड करा। सुपीरियर के केस में क्या होता था, इन सारे सी एन का कलेक्शन हम लोग लेते थे और उस कलेक्शन का सबसे इनिफिमम वैल्यू को चूज करते थे और कहते थे ये हमारा लिमिट सुपीरियर ऑफ एन है। बट इस केस में क्या करेंगे ना, इस सी एन को कलेक्ट करेंगे और हम लोग कहेंगे कि इसका जो सुप्रीमम वैल्यू है, राइट, ये जो सुप्रीमम वैल्यू है ये हमारा होगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। और इस लिमिट इन्फीरियर को कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट नीचे में एक बार ए एन और लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन, इस तरह से डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन है बेसिकली। तो वो हो जाएगा हमारा लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन विल बी द सुप्रीमम ऑफ सी वन सी टू सी थ्री सी फोर। वहां पर होता था क्या होता था, वहां पर हमारा इन्फिमम ऑफ बी वन बी टू बी थ्री बी फोर होता था, बट यहाँ पर हमारा सुप्रीमम ऑफ सी वन सी टू सी थ्री सी फोर होगा, राइट। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके बाद इमीडिएटली हम लोग केस टू की ओर बढ़ चलेंगे और केस टू के लिए भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन। आप पूछोगे कि बार बार वही एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, देखो यार कंसेप्ट को अब हमें समझना है तो इसीलिए मैं सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज वगैरह तब मैं काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी टच करूंगा, राइट। तो बेसिकली उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इनफीरियर का, कुछ रिजल्ट्स हैं मैं वो लिखा दूंगा, उसमें से आपके सारे क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो जाएंगे, राइट। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सबसे पहले यही प्रोसीजर अप्लाई करना, राइट। सबसे पहले क्या करना, इस तरह का सीक्वेंस देखोगे तो देख लो यार कि ये बाउंडेड बिलो है या नहीं, बिलो क्यों, क्योंकि इन्फीरियर फाइंड कर रहे हैं, बाउंडेड बिलो है ये, हाँ यार ये बाउंडेड बिलो है, सब इमीडिएटली हम लोग प्रोसीजर की ओर बढ़ जाएंगे और सारा इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो करते हुए चाहे कैसा भी हमें सीक्वेंस दे हम इमीडिएटली लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में बन जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर एन इज इक्वल टू हमारा एन गिवन है, ठीक है, सबसे पहले काम क्या है, चेक करा आपने कि ये हमारा बाउंडेड बिलो है, चलो खोलो इसे, वन टू थ्री फोर, चलो ये हो गया हमारा सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब हमें करना क्या है, डिफाइन करना है एक और सीक्वेंस सी एन। तो चलो सी वन क्या होगा, सी वन हो जाएगा जो इन्फिमम वैल्यू है वन टू थ्री फोर में से, मतलब वन हो जाएगा, फिर अगर वन को डिलीट करें फिर सी टू के लिए तब हमारा टू हो जाएगा। सिमिलरली थ्री के लिए क्या हो जाएगा, जब टू को डिलीट करोगे तब थ्री हो जाएगा, राइट, तब वो हमारा थ्री हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ इस तरह का ये सीक्वेंस हमारा बढ़ते हुए जाएगा, यानी जो सी वन है, सी वन जो है हमारा वो ए वन के इक्वल है, सी टू जो है ए टू के इक्वल है, सी थ्री जो है ए थ्री के इक्वल है, राइट। मतलब वही सीक्वेंस हमें मिल गया, तो जैसे ही हमें वही सीक्वेंस मिल गया अब हमें लिमिट इन्फीरियर फाइंड करना है। लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन विल बी द
सुप्रीमम वैल्यू ऑफ 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जिसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होता है, ये चीज आपको पता है क्या होता है इसका सुप्रीमम वैल्यू, प्लस इनफिनिट। तो लिमिट इंफीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसका लिमिट इंफीरियर हमारा प्लस इंफिनिटी होगा। बात समझ पा रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, ये C1, C2, C3, ये जो हमारा एक सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट करा, ये किस तरह का सीक्वेंस है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। जो हमारा CN है ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग छोटा वैल्यू को ले रहे हैं, उसके बाद अगर ये सबसे छोटा वैल्यू होगा तो डिलीट हो गया, उसके बाद जो वैल्यू लेंगे वो हमारा इससे बड़ा वैल्यू होगा, तो इसी तरह से इंक्रीज करते हुए जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हो कि जो C1 होगा वो लेस देन इक्वल टू C2, लेस देन इक्वल टू C3, लेस देन इक्वल टू C4, कुछ इस तरह का बढ़ते हुए जाएगा। और वही हमारा BN के केस में जो था, वो हमारा BN जो था वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था, मतलब जो B1 था वो ग्रेटर देन इक्वल टू B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B3, कुछ इस तरह का था, राइट? आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया लिमिट इन्फीरियर का। अब जितने भी एग्जांपल आपके पास में आए, जितने भी क्वेश्चंस आए, अब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड कर पाओगे, ठीक है? अच्छा, सिमिलरली हम लोग केस 2 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 क्या है? अगर हमारा अनबाउंडेड बिलो होगा सीक्वेंस और हमें लिमिट इन्फीरियर फाइंड करने बोलेगा वो, तब हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिट इन्फीरियर के केस में हमें अबव को नहीं देखना है, बाउंडेड अबव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनबाउंडेड अबव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है हमारा बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो है या नहीं, क्योंकि अगर हमें अनबाउंडेड बिलो मिल गया तो डायरेक्टली आप माइनस इन्फिनिटी लगाओगे और आगे बढ़ोगे, और अगर हमारा बाउंडेड बिलो हुआ तो हमें चेक करना पड़ेगा। बस इस शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें वो चीज चेक करना पड़ता है, ठीक है? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एन इज इक्वल टू माइनस एम, माइनस एम ये हमारा बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है, ये हमारा बाउंडेड बिलो है, नहीं है बाउंडेड बिलो, किस तरह के सीक्वेंस बनेंगे? -1, -2, -3, कुछ इस तरह के सीक्वेंस बनेंगे। जैसे ही इसका हमें लिमिट इन्फीरियर फाइंड करना पड़ेगा तब आप इमीडिएटली कह देना ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जैसे ही हमें इसका लिमिट सुप्रीमम फाइंड करने बोलेगा तब आपको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो चीज? चलो अब हम लोग इसको देखो यार, जरा इस सीक्वेंस को देखो आप, -1 to the power n into n, बाउंडेड अबव है। अच्छे से देखो इस सीक्वेंस को, किस तरह का सीक्वेंस है? -1 to the power n into n, इस सीक्वेंस का आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों फाइंड करो। सीक्वेंस क्या बाउंडेड अबव है? बाउंडेड अबव भी नहीं है, ना तो ये बाउंडेड अबव है और ना तो ये बाउंडेड बिलो है, मतलब ये बाउंडेड अबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, दोनों साइड में हमारा अनबाउंडेड है। तो जैसे ही हमारा ये अनबाउंडेड अबव हुआ तो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा? लिमिट सुपीरियर हमारा प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और जैसे ही ये हमारा अनबाउंडेड बिलो हुआ तो लिमिट इंफीरियर क्या हो जाएगा? लिमिट इंफीरियर हमारा माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो? सीक्वेंस को ध्यान से देखो, सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो हो रहा है, तो प्लस इंफिनिटी सुपीरियर और माइनस इंफिनिटी इंफीरियर हो जाएगा, राइट? अब हम लोग लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को निकालना सीख चुके हैं, काफी अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के टर्म्स को पकड़ेंगे और उसके बाद हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस को इन टर्म्स के मदद से डिफाइन करेंगे। तो चलिए कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। अगर हमारा लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फिमम किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर इक्वल हो जाए, एट द सेम टाइम अगर वो कोई फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल हो जाए, तब उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। पहले हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक डेफिनेशन देखे थे जो हमारा लिमिट से रिलेटेड था, लाइक अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तब उस सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते थे, राइट? सिमिलरली अब हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर की मदद से डिफाइन कर रहे हैं।
अगर लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इनफीरियर हो जाए, साथ में इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी हो जाए, राइट, तब हम लोग उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारा ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन। वन अपॉन एन का जब आप लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इनफीरियर फाइंड करोगे तब आप देखना वो इक्वल होगा और एक फाइनाइट क्वांटिटी जीरो के इक्वल होगा, राइट, तब ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर हो जाए, दोनों इक्वल तो हो बट या तो दोनों इक्वल हो के प्लस इन्फिनिटी के इक्वल हो जाए या तो दोनों इक्वल हो के माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हो जाए, तब उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अब तक मैंने आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन नहीं बताया था। वैसे तो हम सबको पता है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास में है और अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं वो प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी देता है, तब उस तरह के सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस करते हैं। बट जब हम लोग लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इनफीरियर के केस में डिफाइन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इनफीरियर है एट द सेम टाइम दोनों प्लस इनफिनिटी या फिर दोनों का वैल्यू माइनस इनफिनिटी है, तब उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, राइट। एक एग्जांपल है एन इज इक्वल टू एन, दूसरा एग्जांपल है एन इज इक्वल टू माइनस एन। बात समझ पा रहे हो? अब कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, बचा क्या, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, राइट। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस के केस में कौन सा कंडीशन होगा जरा बताओ। देखो दोनों में क्या था, दोनों में लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफीरियर इक्वल था, एक में इसका वैल्यू फाइनाइट था, एक में इसका वैल्यू प्लस इनफिनिटी या फिर माइनस इनफिनिटी था, बट दोनों केस में इक्वल था। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस के केस में क्या होगा, लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल टू अगर लिमिट इनफीरियर है, तब इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है हमारा माइनस वन टू द पावर एन। जब माइनस वन टू द पावर एन का माइनस वन टू द पावर एन का जब आप लिमिट सुपीरियर फाइंड करोगे प्लस वन आएगा, लिमिट इनफीरियर माइनस वन आएगा, राइट, दोनों इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं ऑसिलेट कर रहा था माइनस वन और प्लस वन के बीच, ठीक है। चलो ये हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऑसिलेट फाइनाइटली एंड ऑसिलेट इनफाइनाइटली क्या होता है। देखो यार, जैसे ही ऑसिलेटरी सीक्वेंस आ गया, अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, राइट, एक होता है ऑसिलेटरी फाइनाइट और एक होता है ऑसिलेट इनफाइनाइट। चलो इसे हम लोग देखते हैं, इसी ऑसिलेटरी सीक्वेंस का दो पार्ट है बेसिकली। अगर हमारा लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट इनफीरियम ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम है और बोथ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इनफीरियर बोथ अगर हमारा फाइनाइटली एग्जिस्ट है, फाइनाइटली एग्जिस्ट, तब इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे ऑसिलेट फाइनाइटली। इसे कहेंगे जो सीक्वेंस है हमारा वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी ऑसिलेट फाइनाइटली या फिर फाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस, ठीक है, इसे भी हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। और अगर हमारा लिमिट इनफिमम इज नॉट इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम है और दोनों हमारा इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों अगर हमारा इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तब इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस या फिर ऑसिलेट इनफाइनाइटली। दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है, राइट। इसका एग्जांपल बताओ जरा मुझे, ऑसिलेट फाइनाइटली का, ऑसिलेट फाइनाइटली का एक एग्जांपल वही होगा माइनस वन टू द पावर एन, इस तरह का एग्जांपल ले सकते हो। और इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन इन टू एन, ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है हमारा, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, ठीक है। अब हम लोग दो पॉइंट देखेंगे, इन दो पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दो पॉइंट को अगर आप अच्छे से याद रखोगे तब जब क्वेश्चन आप बनाओगे तब मिनिमम चांस रहता है कि आप क्वेश्चन को गलत कर पाओ, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स के बाद में कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उसको जरूर याद रखना आप और अच्छे से समझना चीजों को, राइट। चलिए सबसे पहले इन्हें आप हेडिंग रखो पॉइंट्स, ठीक है, ये मैं दो पॉइंट्स बता रहा हूं और बाकी जो बताऊंगा उन्हें आप रिजल्ट्स लिखना, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर वन है हमारा, इफ अ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड,
अगर कोई सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है देन इट इज नॉट ऑलवेज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोल रहा है? अगर कोई सीक्वेंस आपको कह दिया जाए कि वो सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस है तब आप इमीडिएटली इंप्लाई नहीं कर सकते कि वो आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही होगा। काफी बारीक सा अंतर है यार। देखो हम हमेशा जानते हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो अनबाउंडेड होता है, ये बात आप जानते हो, बट अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होगा वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका ये -1 to the power n into n, जिसको हम लोगों ने अभी देखा ये सीक्वेंस किस तरह का था। ये सीक्वेंस हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस था जो कि ऑसिलेट कर रहा था इनफाइनाइटली, और ये हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा दोनों साइड से अनबाउंडेड है, दोनों साइड से खुला हुआ है, अनबाउंडेड अबव भी है अनबाउंडेड बिलो भी है। तो इस बात को आप जरूर याद रखना क्योंकि मोस्टली केसेस में वो ऑप्शन आपको एक दे देगा कि यार आपके पास में अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो आप इमीडिएटली उसको इंप्लाई करके ये मत कर देना कि वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये ऑप्शन में वो पूछते रहता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये तो 5 स्टार आप इसे लगाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इफ ए एन इज बाउंडेड, बट ये सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड के केस में वैलिड है, इसे आप अंडरलाइन करो, इस बाउंडेड पॉइंट को आप अंडरलाइन करो क्योंकि अगर बाउंडेड नहीं होगा तब आप इस रिजल्ट को नहीं अप्लाई कर सकते, और अगर बाउंडेड हुआ तब आप चुटकियों में फाइंड कर सकते हो यार लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होगा। देखो इफ ए एन इज बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब बाउंडेड अबव भी बाउंडेड बिलो भी, एंड एल इज इक्वल टू एल वन एल टू और एल थ्री, इस तरह का कोई हमारा एक सेट है, ठीक है। एल क्या है? एल वन एल टू का एक कलेक्शन है, और एल वन एल टू जहां पर लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन है, यानी कि जो कैपिटल एल है वो बेसिकली हमारा द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट है, ठीक है। एल बी द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, देन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ एल, एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एल। जो भी सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा इस ए एन के लिए, अगर ए एन बाउंडेड है तो वो बड़ा लिमिट पॉइंट आपका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, और जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा वो इस सेट का हमारा, इस सेट का जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। आप जब इसको इनफैक्ट आप मैक्स के केस में भी लिख सकते हो, मैक्सिमम इसको आप मिनिमम के केस में लिख सकते हो, ठीक है, मैक्स और मिन भी इस जगह में आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार एक एग्जांपल ये है, n इज इक्वल टू -1 to the power n, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से लिमिट पॉइंट आएंगे, एक आएगा +1 एक आएगा -1, ये चीज आपको पता है। लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, यही दो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन में यही दो लिमिट पॉइंट होंगे, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट सुपीरियर, ये सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है ये हो जाएगा आपका लिमिट इंफीरियर। इन इस एग्जांपल में देखो आप 1 व्हेनेवर n इज ऑड, 2 व्हेनेवर n इज इवन, तो इसमें 1 आपका एक लिमिट पॉइंट है, एक लिमिट पॉइंट 2 है, तो 1 हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा आपका लिमिट इंफीरियर बिकॉज 1 हमारा सबसे छोटा है और 2 जो है इससे बड़ा है, तो ये हमारा लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को आप अच्छे से याद रखना, और अब हम लोग कुछ बचे रिजल्ट्स जो हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करते हैं। चलिए रिजल्ट नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 1 है हमारा, लेट ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ध्यान रखना अगर बाउंडेड है तभी, लेट ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड लिमिट सुपीरियम लिमिट सुपीरियर ऑफ एन इज इक्वल टू कैपिटल एम, अगर इस ए एन का लिमिट सुपीरियर हमारा कैपिटल एम है देन देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस, तब हमें एक सबसीक्वेंस कम से कम जरूर मिलेगा जो एम पर कन्वर्ज करेगा, यानी कि जिसका लिमिट, जिस सबसीक्वेंस का लिमिट कैपिटल एम होगा, ध्यान रखना। जैसे ही हमें कोई बाउंडेड सीक्वेंस मिले और उस बाउंडेड सीक्वेंस का अगर लिमिट सुप्रीमम हमारा एम है तब एक सबसीक्वेंस उस सीक्वेंस ए एन का जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उस लिमिट सुपीरियर एम पर जाके कन्वर्ज करेगा, राइट। ये है हमारा पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी क्या है, रिजल्ट नंबर 1 का पॉइंट बी है हमारा, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ए एन के,
एक भी सबसीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका लिमिट सुपीरियर इस पर्टिकुलर m m से बड़ा होगा, यानी कि जो लिमिट सुप्रीमम ऑफ n जो है इससे बड़ा इसका लिमिट सुप्रीमम नहीं होगा। इसका जो भी लिमिट सुप्रीमम होगा वो हमारा इस m से छोटा ही होगा, ये बात आप ध्यान रखना। सिमिलर लिमिट इंफीरियर के केस में अगर n हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ n इज इक्वल टू स्मॉल m, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस an के व्हिच इज कन्वर्जिंग टू स्मॉल m, राइट। सिमिलरली इसके जैसा और देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सबसीक्वेंस an के सच दैट लिमिट इंफीरियर ऑफ an के इज लेस देन स्मॉल m, राइट। काफी सिंपल है, इन दो रिजल्ट्स को अच्छे से समझ लो और समझ के आप नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। लिमिट सुपीरियर of an plus bn is less than equal to limit superior of an plus limit superior of bn। जब आपको दो सीक्वेंस गिवन होंगे an और bn, तब उन दोनों का समेशन का लिमिट सुपीरियर इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अगर आप अलग अलग उन दोनों सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर फाइंड करोगे, राइट। लेस देन को याद रखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट करोगे दोनों का साथ में तो उनका जो लिमिट सुपीरियर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट करोगे तब। बट लिमिट इन्फीरियर के केस में क्या होता है, ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है दोनों केस में। ये जो मैं चार मैंने रिजल्ट लिखा है यहाँ पर, इन चार रिजल्ट को एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा गया है, ऑप्शंस में डायरेक्टली पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन को वो एमएसक्यू में आपको दे सकता है और डायरेक्टली कह सकता है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, या फिर कोई दो सीक्वेंस आपको दे देगा और उसको वेरीफाई करवाएगा आपसे और पूछेगा कि कौन कौन सा रिजल्ट होल्ड हो रहा है। इसे इन चार को आप याद कर लो अच्छे से। लिमिट इन्फीरियर का केस होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इस दोनों का, जब स्प्लिट करोगे तब ये हमारा लेस रहेगा, राइट। और इसमें जब स्प्लिट करोगे तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, राइट। चलो हाँ, एक और बात है ध्यान रखना यार, कि जब भी वो सीक्वेंस के बारे में वो पूछे तो इन्फिमम जो होता है वो हमेशा छोटा होता है लिमिट छोटा या फिर इक्वल होता है लिमिट इन्फीरियर से। सिमिलरली जो सुप्रीमम जो होता है, लिमिट सुप्रीमम नहीं, जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा बड़ा या फिर इक्वल होता है लिमिट सुप्रीमम या फिर लिमिट सुपीरियर से, ठीक है। चलो ये हो गया पॉइंट नंबर 7, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इनक्वालिटी को आप याद रखना। अच्छा ये सारा रिजल्ट्स हो गया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप इन सारे रिजल्ट्स पे वेरीफाई करके मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सारे रिजल्ट वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं। एक मैं सीक्वेंस आपको देता हूं एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन, और एक बी एन सीक्वेंस देता हूं one whenever n is odd and two whenever n is even, ठीक है। ये आपका n और ये आपका bn sequence है। अब ये जो results, पांच results आपके सामने दिख रहे हैं, इन पांचों results को आप apply करके देखो और verify करके मुझे बताओ कि ये सारा result verify हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो friend ये था आज का lecture, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और साथ साथ में ये सारा चीज आप वेरीफाई कर पा रहे हो या फिर नहीं ये भी आप मुझे बताओ।